मशीनों पर प्रशासन का छापा, मचा हड़कंप, अवैध तरीके से चल रही थी मशीनें। यूपी के रामपुर में उप जिला अधिकारी ने अपनी पूरी टीम के साथ अवैध तरीके से चल रही आरा मशीनों पर छापा मार कार्रवाई की है। प्रशासन के अधिकारियों ने जब अभिलेख मांगे, कोई भी अभिलेख न दिखाने पर एक दर्जन आरा मशीनों संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट कराई गई है। रामपुर जिलाधिकारी को भेज गई कार्यवाही की संस्तुति। उप जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार व तहसीलदार अशोक कुमार ने नगर में चल रही आरा मशीनों का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्रवाई की है। अधिकारी महोदय के निर्देश पे ही आरा मशीनों की जांच की जा रही है। कल भी स्वार में जो है 12 मशीनों की जांच की गई, जिसमें एक मशीन को छोड़ के किसी के पास लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं था। उन सभी की रिपोर्ट जो है डीएम साहब को भेज दी गई है और उसी के क्रम में आज भी 4 मशीनों की जांच हो गई है। अभी और आगे होनी है। आज जो 4 मशीनें जांच हुई हैं उसमें 2 मशीनों का लाइसेंस मिला है, 2 लोगों का अभी बताया गया कि डेपो ऑफिस में रखा हुआ है। और आज जो जांच हो गई, क्या पाया सर आपने बताया? तो कल जो जांच हुई थी उसमें पाया कि 12 मशीनों में एक मशीन को छोड़ करके 11 मशीनों के पास लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं था। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका लाइसेंस रिन्यूअल हेतु पत्रावली डेपो ऑफिस में जमा है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई है और आज भी उसी क्रम में जांच हो रही है और उसकी भी जांच करके रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई है। अच्छा सर, इसके अलावा जो ये जो ऐसी लकड़ी है जो प्रतिबंधित है वो भी आरा मशीन पे पाई जा रही है, उसके संबंध में लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी आरा मशीन पे ऐसी लकड़ी का चिजान करते हुए नहीं पाया गया जो प्रतिबंधित है।